अपने काम में महारत रखने वाले, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें इस काम में बहुत इज्जत मर्तबा दिया हुआ है। और मैं कहती हूँ कि वो आज आपको पुलाव बनाना सिखाएंगे, वो भी मीट का पुलाव और पंजाबी पुलाव। क्या पंजाबी? पहले आप इधर आइए। नाज़रीन, हामिद साहब को मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से आप सबको, डीएम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी तो हामिद, आज आप क्या बनाने वाले हो? आज हम पंजाबी पुलाव बनाएंगे जी, और साथ में चट मंगनी पट ब्याह वाली दाल। अच्छा, चट मंगनी पट ब्याह, किसकी मंगनी है और किसका ब्याह है? 20 मिनट में दाल पकाएंगे। अच्छा। हम लोग और हम शुरू से लेकर एंड तक, स्टार्ट से लेकर जैसे पुलाव स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर एंड तक हम फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हामिद मैं समझती हूँ, नाजरीन हम आपको रेसिपी उस वक्त देंगे जब हामिद पुलाव को तड़का लगा लेंगे। जैसे ही आप हामिद तड़का लगा लेंगे पुलाव को, मैं आपको दोबारा रेसिपी के लिए यहाँ बुलाऊंगी। आप अपनी जगह पर जाकर आप पुलाव को कंटिन्यू कीजिए ताकि हम लोग पुलाव को चढ़ा के फिर रेसिपी की तरफ आएं। इसमें मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाला हुआ है, ठीक है नहीं, और इसमें हम थोड़े से दालचीनी है, थोड़े से लौंग, काली मिर्च, क्लोव्स हैं, थोड़े से मसाले, साबुन मसाले हमने डाले हुए, ठीक है जी। हम डालेंगे इसको, हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ये गर्म होगा हल्का सा, तो हम इसमें प्याज डालेंगे। क्या बात है। प्याज को हम ब्राउन करेंगे जी, इसको जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। अच्छा, इसको ब्राउन करना है जी। अच्छा, ये तड़के के लिए बची है। अच्छा हामिद, ठीक ठीक ठीक, सारी डाल दीजिए, मुझे चीज़ों का ज़िया पसंद नहीं है। तो नाजरीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पुलाव बन रहा है, पुलाव मीट का, वो भी मीट का पुलाव बन रहा है जो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। और मीट के पुलाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मीट, उसके बाद उसका भगार, उसका सूप। हामिद आपको बताएंगे, मैं आज बिल्कुल आपको हंसाने वाली हूँ, मैं आपसे बातें करने वाली हूँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि आज जायका ही जायका में कितने जायके हम आपको डिस्प्ले करने वाले हैं और आपको क्या क्या बताने इसके वाले लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। जो अगर आपने लैम्प बनाना है या चिकन बनाना है, उसकी यखनी और लैम्प जी, उसको आप सबसे पहले आप गोश्त को अच्छी तरह धो के उसको गोश्त को पानी में डाल दें, भगो दें, और उसमें आप नमक और काली मिर्च और लहसुन अदरक डाल के उसको बॉयल रख दें। जब आप देखें ये नरम हो गया है गोश्त, तो फिर उसको आप पोनी से पुन लें गोश्त को और यखनी को सेपरेट कर लें, ठीक है, और उसके ये उसकी पहली स्टेज है जी, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपनी बहनों को ये बताना चाहूँगी कि पोनी को पंजाबी में छन्नी को, हमारा का जो जिसमें हम मीट को सिमर करते हैं, इस छन्नी को पोनी कहते हैं। तो लिहाजा बहनों को जो कि इंडियन बहनें हमारी देखती हैं प्रोग्राम, उन्हें पंजाबी नहीं आएगी और वो पोने को नहीं समझेंगी, तो इसलिए मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि छन्नी से छान लें जी। कॉलर को भी, कॉलर हामिद कॉलर को ना ले लें एक हफ्ते की बेताब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, बस मैंने सिर्फ इसलिए दुखी से फोन किया कि माशाल्लाह आपका इतना बड़ा चैनल जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो एक कैमरा ऐसा रख लें जो कम से कम देशी के अंदर शॉट दे सके। अच्छा, क्या जी? हो रहा है? अच्छा, एक मिनट देखिए, वो देखची का शॉट आपको देंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है क्या प्रॉब्लम आज यहाँ ये हो गई है कि हामिद साहब का जो चूल्हा है वो थोड़ा सा उसका बैलेंस ऊंचा है, तो अल्लाह आप लोग इतनी बारीकी से देखते हो, यकीन करो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। दिखाएंगे, अभी तड़का लगेगा तो हम आपको दिखाएंगे। अभी आपको बताने वाले हैं कि क्या होने वाला है, अभी हांडी का शॉट आपको देते हैं हम। तो थैंक यू आपने कॉल की। तो जी लहसुन, अच्छा ये, अच्छा जी हामिद अब क्या किया आपने? जी मैंने घी में, अच्छा वो ये है कि यखनी आप जब तक ठंडी ना हो सूप नहीं डाल सकते, नहीं। अच्छा, इसको ठंडी होने दे जी, क्योंकि ये लैम का जो फैट होता है ना जी, जी, जी। ये जो फैट ऊपर आ जाता है जी, इसको ऊपर से उतार के फेंक दे, वरना ये सेहत के लिए मुजर होता है। अच्छा, इसलिए बस ये है क्योंकि इसमें वो फैट्स आने के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप यखनी को ठंडा करें, ठंडा करने के बाद ऊपर से जब घी आ जाए उसका फैट आ जाए तो वो उतार दें। इसलिए अभी ये, अच्छा, देखो हमारा प्याज तकरीबन तैयार है। मुझे लगता है हामिद कि आज आपने जो चूल्हा लाने का अंदाजा किया है ये माशाल्लाह आपने बेहतरीन किया है, क्योंकि हमें एक तेज चूल्हे की जरूरत थी, क्योंकि हमें 40 मिनट एक घंटे में हमें रेडी और डिस्प्ले। और हामिद का ख्याल था कि ये रेसिपी बहुत लंबी है और हम आपको A to Z रेसिपी देना चाहते थे। अभी मेरे ये देखें जी,
प्याज ब्राउन हो गया है, प्याज और अभी इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। ये ब्राउन क्यों किया है हमने? जी क्यों किया है? इसलिए किया कि हमने ओनियन का रंग लेना है। ठीक है, चावलों का रंग देने के, पुलाव का रंग निकालना। हाँ, मैं मुझसे पूछे हमने प्याज क्यों ब्राउन की है, मैं कहा इसलिए, क्यों की है भाई बताओ। तो नाज़रीन जैसे आप देख रहे हैं तड़के का बड़ा शोर है, और उसके अंदर खैर शोर से भी ज़ारा खान का कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि ज़ारा खान की तो आवाज़ ही बड़ी है, वो तो तड़के को भी मार के निकल। कॉलर को वेलकम कहते हैं जी, जायका ही जायका में। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा जी कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वेल्स से मिसेस चौधरी बात कर रही हूँ। अच्छा मिसेस चौधरी, आपको पुलाव की रेसिपी अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको बेहतरीन पुलाव देने वाले हैं हम। थैंक यू। मैंने पूछना था आपके, जो आप सीक्रेट बताती हैं, बताया था एक दफ़ा एक प्रोग्राम में, टेकवे में जो वो अच्छी वाली करी बनती है खुशबूदार, उसका सीक्रेट आपने बताया था कि प्याज को बॉयल करके उसमें शिमला मिर्च डाल के ये वो चीज़ें डाल के, तो वो मुझे प्लीज़ अभी एक मिनट मिसेस चौधरी, देखिए मेरा सारा जो कॉन्सेंट्रेट है ना वो इधर इस तरफ रेसिपी की तरफ है, मैं थोड़ा सा रेसिपी सीधी हो जाए मैं इंशाल्लाह आपको देती हूँ, प्याज की रेसिपी देती हूँ, सीक्रेट देती हूँ। वो प्याज की एक होती है जैसे चटनी जैसी, वो हम लोग ग्राइंड करके रख लेते हैं, उसके अंदर प्याज होती है, टमाटर और शिमला मिर्चें होती हैं उसके अंदर, उसको सबको भून के आप लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं, नमक डाल के, लाल मिर्चें डाल के, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना स्टाइल होता है। मिसेस चौधरी मैं तो इस तरह बनाती हूँ, लेकिन ये हमारे अफरोज़ चौधरी साहब बनाते हैं, ये उनकी रेसिपी है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो मैं उसकी रेसिपी आपको दूंगी, कुछ मैंने दे दिए कुछ मैं आपको बाद में दूंगी। तो जी चलें अब आगे क्या हो रहा है। अभी आप मुझे ये चॉप की, ये मैंने ये चटमंगनी पट वाली दाल अभी हमने रखी है दाल की। हाँ जी। और अभी हमने उसको पानी में, इसमें आप ओनियन चॉप करके डालें थोड़े से। अच्छा जी, ठीक है। और सिर्फ आपने दाल को पहले चढ़ा दिया? हाँ जी चढ़ा दिया इसमें। हाँ अच्छा। जी। और इसमें लहसुन थोड़ा सा डाल दिया जी। अच्छा, अभी आप मुझे सॉल्ट और रेड चिली देंगे, ये ले लीजिए जी। इसका ज्यादा, इसको ज्यादा चीजें नहीं डालनी, ये ले लीजिए, बड़ा सादा इसको रखना है। अच्छा हल्का नहीं, मुझे पता है कितना डालना है, मुझे पता है नमक तेज हो जाए तो हर चीज का इलाज है, नमक का इलाज नहीं है। ओहो माशाल्लाह। अच्छा इधर ही रखो हल्दी। अच्छा जी क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ी बिंदास दाल बनने वाली है। और आप लोग जब दाल खाएंगे आप लोग हामिद को याद रखेंगे कि जी हामिद साहब क्या चट मंगी ये घर में पक अगर दिया। कुछ ना हो जल्दी में कुछ पकाना हो तो इससे अच्छी चीज़। अच्छा घर में अगर कुछ ना हो और मसूर की दाल मौजूद हो, लाल वाली रेड लिंटल्स उसकी दाल बन रही है, और रेड लिंटल्स जो है वाइट राइस के साथ, भगारे चावलों के साथ बेहतरीन लगती है, और जब वो हम खाते, क्या बात है जी उस रेसिपी की जो हम खाते हैं और जब हम उसे बनाते हैं घर में, मेरे बच्चे हम तो उसमें रोटी तोड़ के खा, पठान जरा थोड़े से बकरी टाइप के बंदे होते हैं, हम लोग रोटी को चूर के उसको चूरा बना के, हम उसको जब चूरा बना लेते हैं रोटियों को उसके अंदर डाल के, फिर हम उसको जो हम आपको बताते हैं कि जी हम उसको जो बना के हम दिखा के कहते हैं ओ माय गॉड, ऐसी दाल जो मैं कहती हूँ कि दुनिया में किसी ने ना खाई हो, किसी को ना पता हो कि क्या हो रहा है, तो वो हम आपको बना के दिखाते हैं। तो लिहाजा आज आपको पुलाव की रेसिपी देंगे। आपके दान कमज़ोर होंगे इसलिए वो चूरी बनाते हैं, हमारे पंजाब वालों के दान सख्त होते हैं। जी नहीं, हमारे दांत इतने कमजोर भी नहीं है। अभी अभी हमने हमने रखा है 2 किलो, जितना चावल हो उतना गोश्त डालना है। अच्छा? बराबर का डालना होता है। ठीक ठीक। अभी हमारे पास 2 किलो चावल है, ठीक, और हमने 2 किलो गोश्त रखा हुआ है, 2 का 2.5 किलो है। आपको बताऊं कराची वालों में एक आदत होती है, जब वो बिरयानी बनाने जाते हैं ना तो गोश्त जो होता है तो जितनी बिरयानी डेढ़िया हमारी बिरयानी, चावल हमारे एक हिस्सा होते हैं, गोश्त हमारा डेढ़िया होता है, डेढ़िया होता है, जब डेढ़िया गोश्त हम उसमें रखते हैं वो क्या बात है जी। कॉलर को भी वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं, नहीं नहीं आ रही, आ रही है, बड़ी बिंदास आवाज़ आ रही है। नहीं आ रही मुझे तो आ रही है जी, जी
अच्छा जारा कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम कौन बात कर रहा है? मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। अच्छा शाहिदा, खुश रहो। अच्छा, खुश हो गई आप पुलाव की रेसिपी से? हंसती मुस्कुराती रहे। थैंक यू वेरी मच। इस हफ्ते तो बड़ा रोए भाई। हाँ। अल्लाह खैर करे। अच्छा। तो जारा जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि एक्चुअली मैं वर्किंग लेडी हूँ जी, तो मैं ना लहसुन इकट्ठा यानी कि एक वीक के लिए पीस के ना बॉटल में रखती हूँ। जी बहुत अच्छा करती हैं। हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। लेकिन ना वो उसका जो कलर है ना वो ग्रीन हो जाता है दो एक दिन के। लहसुन को कभी भी आप पानी के अंदर मत पीसिएगा। आप लहसुन को ग्राइंडर में डाल के, ऑयल डाल के, सिरका डाल के, नमक डाल के आप उसको ग्राइंड कीजिएगा। जब आप उसके अंदर ये चीज़ें डाल के ग्राइंड करेंगी ऑयल के अंदर, जब आपकी ऑयल के अंदर वो ग्राइंड हो गए, आप यकीन कीजिए कि आपकी जो रेसिपी है वो कभी ग्रीन नहीं होगी। और लहसुन वो ग्रीन होता है जो हम पानी के अंदर उसको मिक्स करते हैं। अच्छा जी। पानी में जो मिक्स होता है, अगर आप ऑयल में रखेंगे जैसा आपको बाज़ार में मिलता है, इतना महंगा होता है, मैं कभी बाज़ार से नहीं खरीदती, मगर मैं अपनी बहनों को बताती हूँ। लेकिन एयर टाइट जार के अंदर रखिएगा, क्योंकि जो एयर टाइट जार होता है आपका, वो जो होता है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हाइजीन के हिसाब से भी अच्छा होता है। क्योंकि हमारा फूड अगर इस तरह बगैर उसके पड़ा रहे, ढकनों के बगैर पड़ा रहे, तो मैं नहीं समझती कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए वो अच्छा है। बस ठीक है चंदा, शाहिदा आप इसको ये करके देखिएगा गुड़िया। नहीं वो आप ज्यादा चीजें ना भी डालें, हामिद साहब भी आपको रेसिपी दे देंगे। आप उसको तेल में ग्राइंड कर लें अगर लॉन्ग टर्म रखना है। अगर कम अरसे के लिए रखना है तो फिर आप पानी में ग्राइंड कर ले, कोई बुरी बात नहीं। बस ये दो चार दिन में ये कुछ नहीं होता। हाँ, हमें पानी के अंदर करते हैं। ये देखो पानी वाला जो होता है ना, ये क्वांटिटी है पानी वाली। जरा अभी आपको दिखाते हैं। उसमें मैं सिर्फ ऑयल और नमक डालूं है ना? जी ऑयल और नमक डाल दिए, सिरका थोड़ा सा चंदा डाल देना, तो वो और लॉन्ग वर्क करता है। और सिरके की जो खटास होती है ना वो फूड को खराब होने नहीं देती। सालों साल सिरका पड़ा रहे, खराब नहीं होता। अभी हम लोग इसमें गोश्त डाल रहे हैं। अच्छा आप जरा शायदा, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच शायदा, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर अब हामिद ने पुलाव में नहीं, तड़के में गोश्त डाल दिया। इसके तड़का लगाने के बाद हमने चावलों के हिसाब से उसमें सॉल्ट डाला है। अच्छा, इसमें नमक बहुत कम डालनी होती। अच्छा, है कि चावल जो मिर्च होती है ना जी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए लिमिट। इसमें आप थोड़ी सी ज्यादा डालने का, तो अगर आपने स्पाइसी करना है तो ये एक अलहदा बात है। अच्छा, लेकिन पुलाव में इसको बहुत मुनासिब हल्की रखनी है। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ तीन चीजें डालनी है जी, नमक। अच्छा, मिर्च। अच्छा, अगर वैसे बिरयानी मसाला भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप जीरा और सूखा धनिया उसमें डाल दें तो ये भी बेहतर है। अच्छा, साथ में थोड़े से टमाटर डाल दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गोश्त को आपने भूनना है। अच्छा, अच्छी तरह सही। जब ये स्टिक होने लगे तो हमने इसमें यखनी डाली। ठीक है, अब कॉलर को भी वेलकम कहते हैं जी। सलाम अलैकुम मिसेस बेग को जी। सलाम अलैकुम मिसेस बेग, कैसे? ठीक है। हेलो। हेलो जी। जी मैं मिसेस बेग बोल रही हूँ। जी जी जी, मुझे आपसे ना वो खोए की रेसिपी चाहिए थी। मेरा जो है ना, मैं पक जाती हूँ जब मैं खोए की रेसिपी देती हूँ। मैंने इतनी दी है खोए की रेसिपी कि मुझे जबान ही याद हो गई। अब वो फिर तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा ना रेसिपी देना, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अल्लाह रहम करे। अच्छा ठीक है, खोए की रेसिपी मुझे सही है। जी सॉरी जी, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? नहीं वो स्लो आ रही है जी। स्लो आ रही है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। बखुदा आज मैं बहुत तेज बोल रही हूँ अपने हिसाब से। नहीं आवाज स्लो आ रही है आपकी जैसे। अच्छा, मेरी आवाज स्लो आ रही है जबकि मैं तो चिल्ला रही हूँ आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, पता है क्या मिसेस बेग, ऐसा कीजिएगा कि आप सिंगल डबल क्रीम की वो ले लीजिएगा जार, उसको माइक्रो में रख के 4-6 मिनट के लिए उसको माइक्रो के अंदर पका लें। अच्छा, फिर उसको बाहर निकाल के रख दें। जब वो ठंडा हो जाए दोबारा 6 मिनट्स के लिए। अच्छा, टाइम लिमिट मैंने इसलिए बढ़ा दिया कि लास्ट वीक एक बहन की कॉल आई थी और उन्होंने हमें कंप्लेन ये दी थी कि उनका बना नहीं था। अच्छा, तो फिर मैंने उनसे, जिनकी ये रेसिपी है नूर जहाँ बोल्टन से हमारी कॉलर है, हमारी बहन है समझ लें आप, तो उनकी रेसिपी है ये। फिर इसको 5-6 मिनट के लिए जब बाहर रख दिया ओवन से, दोबारा उसको रखिए।